ये लो पैसे लो, पकड़ो जल्दी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम पल्लवी बाहर जाओ। मैम मैम सॉरी सॉरी, रास्ते में याद आया कि थाली भूल गई। दोबारा घर जाकर थाली लाने में इतनी देर हो गई। थाली में करना जरूरी नहीं है, रिदम में करना जरूरी है। तुम रिदम भूल जाती हो, कितनी बार समझाऊं तुम्हें। मैम 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 बस एक चांस दे दीजिए, गिव मी वन चांस प्लीज। ये लास्ट चांस है। सॉरी, गेट आउट। तुझे डांस क्यों सीखना है? आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी और तू सेटल हो जाएगी। आगे जाके तुझे स्टेज शोज तो नहीं करने ना? ए, ये स्टेज शो के लिए नहीं। फिर अपने डांस परफॉर्मेंस की सीडी बनाकर शादी के बाद अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ देखते हुए उनकी आंखों में जो चमक होगी ना, चमक कितना अच्छा लगेगा पता है। यू नो, हर किसी की लाइफ में मेमोरीज होनी चाहिए। अभी ये क्लासिकल डांस नहीं तो फोक डांस करूंगी, बट करूंगी। मार दूंगा, मेरी बीवी का डांस करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। hey, सुनो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मेरी लाइफ मेरी है। अगर एक और बार कॉलेज में डांस का नाम सुनाई दिया तो क्या कर लेगा तू? तो तू यहाँ नहीं, सीधे मेरे घर विजयवाड़ा में दिखाई देगी, याद रखना। बदतमीज, इसे सबक सिखाने के लिए ही सही मुझे डांस सीखना पड़ेगा। अभी के अभी डांस मास्टर कहाँ और कैसे मिलेगा? अब सिद्धि विनायक ही मेरी मदद करेंगे। समझो मास्टर अब मिल गया है। सर, आपका फेवरेट स्टूडेंट है ना, वही अपना अमन, उसका डांस क्या धमाकेदार था सर। हे, वो जो भी करता है टॉप का होता है। यूनिवर्सिटी में उसे डांस या पढ़ाई में पीछे करने वाला कोई है ही नहीं। बस एक बार वो पीएचडी पूरा कर लेना, उसके बाद देखना उसकी लाइफ के जलवे। लो पकड़ो। कांग्रेट्स। थैंक यू। निकाल कर मिला दे यार, पता चल गया तो। अरे कुछ नहीं होगा। तू ऐसे ही सबकी शादी में डांस करता रहेगा या खुद भी कभी शादी करेगा? तू जा, तेरा पति बुला रहा है। इसने एमएसए में मुझे दो बार प्रपोज किया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए चल रही है। रिजेक्ट किया? अभी तो हर बात पे शक क्यों करता है यार? क्या ले प्यूमन? सर सर, मैं पी अमन हूँ सर। अरे मिलाने से तो वही होगा ना। लगता है बहुत एंजॉय कर रहे हो। काय का एंजॉयमेंट सर, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आप कब मेरा पीएचडी अप्रूव कराओगे और कब मेरी लाइफ सेटल होगी? सेटल होना है तो बीच पर पकौड़े बेचकर सेटल हो सकते हो, लेकिन अमन महेश्वर को तो शानदार ढंग से सेटल होना है। थोड़ा धीरज रखो, वेट। अरे हाँ, तुमने हॉस्टल बिल और मेस बिल पे नहीं किया? पे नहीं किया, वो चेकबुक भीग गया था ना वो। ठीक है, फिर शादी में जाके खाना और बस स्टॉप पर जाकर सो जाना, हैप्पी लाइफ हो जाएगी। सर गॉडफादर ही ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? गॉडफादर हूँ इसीलिए सॉफ्टली समझा रहा हूँ। अगर तुम्हारा फादर होता ना तो चमड़ी उधेड़ देता। फीस भरोगे तभी हॉस्टल में एंट्री मिलेगी, समझा दे इसे। फीस भरोगे तो ही हॉस्टल में एंट्री होगी, उन्होंने कहा। निकाल कर मिला दे। चलो, अरे किसी को पता नहीं चलेगा, निकाल। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड।
कौन है आप और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पल्लवी है, गीता कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। 3 डेज में मुझे अपने कॉलेज फंक्शन में डांस करना है। अभी अभी मैंने आपका डांस देखा, क्या नाचते हैं आप। आज से आप ही मेरे डांस मास्टर हैं। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देकर मुझे डांस सिखा दीजिए, मेरा ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। आपके ड्रीम के लिए हम अपना काम तो नहीं छोड़ेंगे ना। फ्री में मत सिखाइए मास्टर जी, फीस ले लीजिए। फीस कितना दोगी? बिल भी भरना है, 1000 से कम मत लेना। 5000। मैंने 500 कहा था। ठीक है ठीक है, मतलब पैसों के लिए नहीं, मेरी वजह से किसी का सपना पूरा हो रहा है तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मास्टर जी ठीक है ठीक है, पहले एडवांस दो, हम लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। पहले ट्रेनिंग दीजिए, हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं। एड्रेस बताओ। हेलो, ये सब क्या है? यहाँ कोई नाच मयूरी नाच नहीं करना है, आज का मॉडर्न डांस करना है। ए तू बजाना यार। हाँ, पक्का पेमेंट दोगी ना? पहले प्ले कर। रेडी हो? ओके ओके ओके, स्टार्ट करें। सुपर मास्टर, सुपर सुपर सुपर। तालियां मत बजाओ, पहले करके दिखाओ। मैं करूंगी मास्टर, अभी करती हूँ। तो मूवमेंट समझ गई। या रेडी। अरे बंद करना, रुक जाओ। ये क्या कर रही हो? सिर घुमाना है तो सिर्फ सिर ही घुमाओ, कमर हिलानी है तो सिर्फ कमर ही हिलाओ। ऐसे फुल बॉडी एक साथ हिलाने लग जाओगे तो उसे डांस नहीं कहेंगे, फीट्स कहते हैं। तो फिर अब क्या करें? मास्टर जी अभी आपने क्या कहा? सिर घुमा रही हो तो सिर्फ सिर घुमाओ, कमर हिला रही हो तो सिर्फ कमर। एक आइडिया है। कैसा आइडिया? जब मैं कमर का स्टेप करूं तो आप मेरा सर पकड़ लीजिए, और जब मैं सर का स्टेप करूं तो आप मेरी कमर पकड़ लीजिए। ये सही रहेगा मास्टर जी। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। पल्लवी ना, पागल हो गई क्या? तू चुप रह, तेरी कमर नहीं पकड़नी है, बैठ जा। ये कमर वमर पकड़ना हमारे खानदान में नहीं है, हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। मास्टर जी आप मुझे टच नहीं कर रहे, आपके अंदर का नटराज मेरे अंदर की मयूरी को टच कर रहा है। मेरे अंदर का नटराज? अब ऑन कर रहे हैं, चलो शुरू करो। साउंड ओके रेडी। देखिए कमर भी हिल रही है, आप पकड़ लीजिए, मैं तभी करूंगी। ओके अब ये हो गया मास्टर जी, अब आप सर पकड़ो, नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। सही जगह पकड़ना। मास्टर जी शोल्डर नहीं सर पकड़िए। हो रहा है ना? ठीक हो ना? ठीक हो ना? क्या हुआ मास्टर जी? सांस लेकर करने को कह रहा हूँ। ओह अच्छा, तो मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। देखिए ना फिर से वही हो रहा है मास्टर जी, ये मुझसे नहीं। बाय अमन। हाँ? तुम्हारी दी हुई हिम्मत में इतना प्यार है तो क्या जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? क्या हुआ? कल से कैंपस हॉलीडेज शुरू हो रही हैं, कॉलेजेस बंद रहेंगी। हैदराबाद में मेरे दोस्त का एमसेट कोचिंग सेंटर है, समर क्लासेस लोगे तो 25,000 मिलेंगे जिससे तुम्हारा खर्च निकल सकता है, चलो जाओ। नहीं सर, मैं शहर नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की कौन है? पल्लवी। अब सर यूनिवर्सिटी में तुम्हारे जैसे मजनू बहुत देख चुका हूँ, बैठ जाओ। प्रॉब्लम सॉल्व हो इसके लिए एडवाइस देता हूँ तो बिगड़ जाते हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ तो बताइए सर, अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? यहीं कहीं छोटा सा रूम लेकर बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगा। जब नसीब में ही कीचड़ में गिरने का लिखा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस शहर में बैचलर्स को रूम रेंट पर कोई नहीं देता। हे मां लक्ष्मी अपनी कृपा बना। राजेश्वरी कितनी बार कहा है तुमसे, 3 सीटी के बाद कुकर बंद कर दिया करो, गैस वेस्ट होता है ना। भूल गई थी।
मैं भी ना। हे माँ लक्ष्मी मंगलदायिनी। अरे उस रमन से पैसे लेकर डीलर को देने को कहा था, दे दिया। नहीं दिए ससुर जी, शुक्रवार के दिन हम पैसे लेते हैं पर देते नहीं है ना। सही कहा। नंबर बढ़ गए मेरे। हे लक्ष्मी कृपा करो, हे माँ लक्ष्मी परमेश्वर। ये क्या है? लव लेटर पापा। क्या, किसने दिया ये? ऊपर वाले लड़के ने। हाँ? ऐसी बात है? जमाई बाबू, रूम दे दिया तो क्या ऐसा करोगे? सब तुम्हारी मर्जी चलेगी। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बेटी को लव लेटर लिखता है, वो भी शुक्रवार के दिन। मुझे लगा अच्छा लड़का है। सारे बैचलर्स एक जैसे नहीं होते माँ। मैंने लव लेटर नहीं लिखा सर, ये तो मेरी कजन सिस्टर जैसी है। क्यों, सगी सिस्टर नहीं मान सकते थे क्या? देखो ससुर जी कैसी बुद्धि है। निकाल दो इसे, निकाल दो, जल्दी निकालो। मैं सच कह रहा हूँ, निकले तो ससुर जी तुम्हारी किस्मत पे स्याही डाल देंगे। चलो लेटर लिखने वाला पापा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बैचलर्स को रूम मत दो। अब देखा आपने, बैचलर्स को रूम न दे तो क्या ये स्वर्ण पैलेस है जिसमें फैमिली रहने के लिए आएगी? छोटा सा पेंट हाउस है, ससुर जी को कुछ पैसे मिल जाएंगे, है ना? ये ठीक से रखो, आ दे दो उसे। सर। हाँ। कल वो बोर्ड देखकर मैंने ही कॉल किया था। मुझे नहीं, मुझे किया था। अच्छा वो आप हैं? नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। अच्छा है, क्या करते हो? स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी सर। आंध्रा यूनिवर्सिटी। स्टैटिस्टिक्स वही कैलकुलेशंस। लेकिन तुमने पीएचडी कहा था, वो कोई जॉब या सर्विस तो नहीं है ना? तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है तुम्हारा? ये सब कैसे चलेगा? स्कॉलरशिप मुझे मिल जाती है सर, और फ्री टाइम में मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। ट्यूशन्स? ट्यूशन, ये तो बढ़िया है। वो क्या है कि मेरा पोता है, उसे पढ़ाई से नफरत है, उसे फ्री में ट्यूशन देनी होगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सर, पीएचडी होने तक देनी होगी। दूंगा ना सर, मेरी पीएचडी होने तक ना? नहीं, उसकी पीएचडी होने तक। चलो आ जाओ, घर दिखाता हूँ, मिलता हूँ फिर मैं। प्लीज। चलो भाई। आया सर। सुनो भाई, घर में गर्लफ्रेंड या कजिन सिस्टर के नाम से किसी को लेकर तो नहीं आओगे? नहीं नहीं, मैं लड़कियों के पीछे नहीं पड़ता सर, मैं जेंटलमैन हूँ, किससे भी पूछ लीजिए। हाँ जमाई बाबू। हाँ ससुर जी। कहाँ रह गए भाई, नया बैचलर है। हाँ। घर के सारे रूल्स रेगुलेशंस बताकर इसे पेंट हाउस दिखा दो। ठीक है। जाओ। थैंक्स सर। देखो भाई, ससुर जी से कनेक्ट रहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ भी कभी डिसकनेक्ट मत होना। तुम अच्छे नसीब वाले हो, इसलिए तुम्हें पेंट हाउस में रहने को मिल गया। वैसे कितना रेंट देने वाले? 6,000 बताया है। टैक्स के साथ 8,000 होगा। टैक्स? फ्रीडम टैक्स। देखो, तुम्हारे और ससुर जी के बीच में एक टोल गेट रहेगा, उसे उठाने वाला मैं ही हूँ। सपोज तुम कभी बियर लेकर आए, मैं उठाऊंगा। गर्लफ्रेंड लेकर आओगे, वो भी उठा। तो मुझे 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, हर महीने देने होंगे। और नहीं तो क्या? वैसे सुनो, ये मैटर हमारे बीच में रहना चाहिए। स्मार्ट फेलो। पेंट हाउस बहुत ही अच्छा है। तो मेरा 2,000 दो दिन में दे दूंगा। जरा हाथ देना, याद रखना। पापा, आपने फिर से बैचलर को रख लिया, कल ही तो लव लेटर मिला था ना। इसे तुम दोगी तो भी नहीं लेगा, उस टाइप का है ये। और अपना जो चिंटू है ना, उसे ये फ्री में ट्यूशन भी देगा। अपने कैलकुलेशन में बैठ रहा है ये। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है ससुर जी। तुमसे किसने पूछा है? आज तो नंबर माइनस हो गए। कल ही तो एक को भगाया था ना। सब लड़के एक से नहीं होते। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो। मेरी प्यारी बेटी। यस। संभल के, वो देख, वो है अपना घर। वाह, एकदम मस्त है यार। ये तो भिखारियों से भी बड़ा भिखारी लग रहा है ससुर जी। गुड मॉर्निंग सर। तुमने कहा था सामान दे पाएगा, यही है वो? अकेला रहना है तो बेकार के खर्च किस लिए? अकॉर्डिंग टू द 1972 द लॉ ऑफ द एमिनिटीज फॉर एनीवन। अपने कैलकुलेशन में ये सही बैठने वाला है। कैलकुलेशंस। ठीक है, तुम जाओ। एक मिनट, ये कौन है? फ्रेंड हूँ। फ्रेंड मतलब? सब कुछ शेयर करने वाला। अपनी बदनसीबी भी। दम बिरयानी तो कोई भी शेयर कर लेगा, जो बदनसीबी शेयर कर ले वही असली दोस्त है, जैसे मैं हूँ। टिकट ब्लैक करने वाला दिख रहा है ये तो। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती क्यों करते हो? छोड़ दो इसे। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? इसके बारे में? कौन है ये? अच्छा, अब तो तू मुझे जानता भी नहीं है। निकलो निकलो, तू बाहर मिल, बताता हूँ। तुम आ जाओ भाई, चाहो तो पुराने बैचलर का सामान भी यूज कर लेना। ओके ओके, ये गैस और सामान लेकर ऊपर आ जाइए ना। मैं? 2,000 नहीं चाहिए, मैं ही लाऊंगा ना।
गाना बजेगा तो ही पल्लवी आएगी। बेटा बेटा सुनो बेटा। कहाँ पर? इधर देखो बेटा। हाँ ससुमा। आंटी तुम्हारा नाम क्या है? अमन महेश्वरी। पिछले लड़के के जैसे मत करना, हमारे घर में जो भी आता है उसे हम किराएदार नहीं अपने घर का सदस्य समझते हैं। आप यहाँ घुल मिल कर रहना। हाँ बिल्कुल। अगर बारिश आ जाए ना तो ये कपड़े ये पापड़ लेके नीचे आ जाना, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। ये साड़ियाँ और ब्लाउज देख रहे हो ना बेटा? साड़ियाँ और ब्लाउज। भीगने से पहले सब कुछ समेट कर नीचे ले आना, भूलना मत। ये क्यों नहीं कर रही? इसके भी घुटनों में दर्द है क्या? क्या कह रहे हो बेटा? नीचे है, नीचे तो कभी भी आ जाऊंगा। आ जाऊंगा। परिवार में सबसे मिल भी लेना। मिलने ही आया हूँ। चलो। आंटी नीचे सब है ना? आज संडे है तो सब है। वही तो। अरे तुम आज आए हो, खाने पीने के लिए कुछ है? मतलब होटल से मंगवा लेना। ठीक है, मयूरी होटल पास में ही है, उसका खाना टेस्टी और अच्छा होता है। उसका खाना अच्छा है। ठीक से पढ़ाई करना। ठीक है मम्मी। मास्टर पढ़ाई स्टार्ट करें क्या? निकल बे। ऐसा रहा तो मेरा पीएचडी कब होगा? पीएचडी को तू चॉकलेट समझता है क्या? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, जानता है तू? तुझे यहाँ रहना या नहीं? शाम में शुरू करते हैं। शाम को नहा धो के तैयार रहना। इस बच्चे को तो डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। घर अच्छा है ना? ससुराल है, अच्छा ही तो होगा। ये लो उपमा बनाया है, टेस्ट करके बताना कैसा बना है। हाँ।